बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम संपूर्ण रात आप लोगों ने सुना दोनों ही कलाकारों के माध्यम से। सुबह का समय है, कार्यक्रम समापन की ओर है और जैसा कि आदेश हमारे किशन भैया ने किया है, आइए प्रयास करता हूं ऐसे। किशन भैया ये आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, जो टीचर जो अध्यापक बच्चे को आईएएस पीसीएस बना देता है वो खुद दो ये नजार 2000 की नौकरी जीवन भर करता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बन पाता है, क्योंकि मार्गदर्शन दर्शन कराना अलग है और मार्ग पर चलना अलग है। ठीक है, ये आपकी महानता है, आइए प्रयास करते हैं। अपने श्री चरणों का पायक बना दिया तूने, ज्ञान गुणहीन को गायक बना दिया तूने। आज इन जैसे हंसों के बीच में हम जैसे कागा को गायक बना दिया तूने, तो माँ की मेहरबानी है, माँ का रहमो करम है। एक गीत किशन भैया विद्वान जमनास बहुत पहले बजा था, सुनिएगा। तुम हमसे दूर रहते क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रहते अक्सर दुआओं में अकेले, तुमको ही मांगा करते क्योंकि दर्द की आरजू ही तो गीत हुआ करती है, दिल की हर आग ही तो प्रीत हुआ करती है। जिंदगी के साज में व्यर्थ भटकने वालों की आवाज ही संगीत हुआ करती है। ये बात
ये हमारे जो साउंड वाले भैया हैं वो आ जाए। वास्तव में आपको बहुत ही अच्छा साउंड है ये, पार्थोस मेरी ओर से ले जाइए अगले। वास्तव में बेहतरीन साउंड, कोई यदि कमी बताता है आपके साउंड में तो मैं ये मानता हूँ मूर्ख व्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ, बेहतरीन आपकी साउंड सर्विस, कोई कमी नहीं है, धन्यवाद है, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह ही नाम मिलता है। आइए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ महाभारत की तरफ। महाभारत युद्ध होने को जा रहा है, तैयारी है। वरवरीक ने संकल्प कर लिया, जो सेना हल्की पड़ेगी पांडवों में या कौरवों में मैं उनकी तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान कन्हैया ने सोचा यदि बर्बरी की युद्ध करेंगे तो हो सकता है पांडव न जीत पाए। ये भाग लेंगे। भगवान कन्हैया ने सर काट दिया। अब जब सर काट दिया बर्बरी ने, पर प्रभु आपने ये क्या किया, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है क्या? आपको जो काटना था तो काट ही दिया, अब तो कुछ बचा नहीं, क्या बचा है, कटना था कट गया। लेकिन प्रभु मेरी इच्छा है, मैं इस युद्ध का पूरा वृत्तांत देखना चाहता हूँ, इस समर युद्ध को मैं देखना चाहता हूँ। युद्ध समाप्त हो गया, पूरा युद्ध देखा समाप्त हो गया। समापन के बाद में पांचों पांडव बैठे हुए हैं आपस में, अपनी अपनी कह रहे हैं, भीम कह रहे हैं हम ना होते तो युद्ध ना जीता जाता। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन कह रहे हैं मैं ना होता तो युद्ध ना जीता जाता। भगवान कन्हैया ने सोचा इनको शायद अभिमान आ गया। भगवान कन्हैया गए पांडवों के पास में, अरे युद्ध आपको क्या मालूम, आप लोग तो युद्ध कर रहे थे, युद्ध किसने जीता किसने नहीं जीता, मैं आपको ले चल रहा हूँ उस जगह जहां पर एक कोई है और उसने पूरे युद्ध को देखा है। और ये महाभारत का पूरा युद्ध बर्बरी के कटे हुए सर ने और संजय ने, दो लोगों ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहुंच गए भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के बर्बरी कटे हुए सर के पास में। अरे बर्बरी, बर्बरी, अरे जब लड़ते थे दोनों दल, कन्हैया ने कहा बर्बरी, जब लड़ते थे दोनों दल विजेता उनमें कौन। चाचा, ओ चाचा, ओ चाचा, चाचा कहां जा रहे हो, चाचा कहां जा रहे हो, अरे बैठ जाइए एक मिनट चाचा, एक बात सुनो चाचा, बात कुछ ऐसी हो कि राम कहानी आ जाए। संजय भैया, चाचा बात कुछ ऐसी हो कि राम कहानी आ जाए। बूढ़ा भी सोचे फिर से जवानी आ जाए। बात कुछ ऐसी हो कि राम कहानी आ जाए। बूढ़ा भी सोचे फिर से जवानी आ जाए। किसी को रुलाना है तो तरीका पप्पू परवाना बता रहा है। किसी को रुलाना है तो तरीका पप्पू परवाना बता रहा है। उसे इतना हंसा दो कि आंखों में पानी आ जाए। जब लड़ते थे दोनों दल जीता उनमें कौन, पर्वत शिखर से अकेले तुम सब निहारा करते थे। वरवरी के कटे हुए सर ने कहा प्रभु, अरे मैंने युद्ध तो देखा है पूरा, लेकिन ये लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय हमारे किशन भैया। किशन भैया, आखिर रिंकी जी ने संकल्प क्यों लिया है, उसका कारण यह है कि आप जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति क्या बात है जल्दी मिलता नहीं है।
आप जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। कलाकार तो बहुत हैं, उनको खड़े होने की तमीज नहीं मंच में। बिल्कुल, क्या लाई हो? अरे कीर्तन यही है क्या? कीर्तन का मतलब है कि हरि की चर्चा हो और प्रतियोगिता हो, लेकिन प्रतियोगिता भी में भी प्रेम हो। बिल्कुल बिल्कुल, यदि किसी के दिल को दुखा करके प्रतियोगिता की गई तो कोई प्रतियोगिता है? हरि भजन होना चाहिए लेकिन आनंद जनमानस को मिले और आनंद सामने वाली पार्टी को मिले, वही कीर्तन है। क्या बात है, मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। और ये संकल्प आज से नहीं, बहुत पहले से है। अब माता रानी की इच्छा है कब मेरा संकल्प पूर्ण करती है। वास्तव में जिन्होंने आपके लिए सोचा होगा, लेकिन वो भी सोच, उनको भी मैं सोचने मजबूर कर दूंगा कि नहीं, किशन भैया को आगे ले जाने में किसी ने मेहनत की है। माता रानी ना रूठे, प्रयास है मेरा। आवाज आवाज सुन के तो हमें भी सोचना पड़ रहा है कि इनका बुढ़ापा ऐसा है तो जवानी कैसी होगी। भरभरीत ने कहा, प्रभु मरा तुरियो तन के दुर्योधन की आंखों का पानी छुपा जाके पानी में, छुपा जाके पानी में लिया ओढ़ पानी। ये दुर्योधन और पानी से निकला, निकल के आया पानी से निकला, हुआ पानी पानी, पानी से मिट गई है उसकी कहानी। हे हे शाबाश, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा युद्ध समाप्त नहीं हुआ, पांडवों में जो सबसे बड़ा हो मुझसे युद्ध कर ले, क्योंकि कौरवों में अभी मैं जीवित हूँ। भगवान कन्हैया ने झूठ बोल दिया, बोले भीम बड़े हैं, बोले भीम बड़े हैं। दुर्योधन ने कहा भीम बड़े हैं तो युधिष्ठिर भीम को प्रणाम कर दे, क्योंकि बड़े तो युधिष्ठिर थे, यदि युधिष्ठिर प्रणाम कर देते तो समस्या आ जाती। भगवान कन्हैया ने फिर से चाल चली, भीम के बगल में अपनी मुरली दबाई और युधिष्ठिर से कहा भीम को नहीं युधिष्ठिर को प्रणाम कर दीजिए, मुरली को, मुरली को, मुरली को प्रणाम कर दीजिए। पानी से निकला हुआ पानी पानी, पानी से मिट गई है उसी की कहानी। तो सुन लो किसान, भीम के तन दबा करके मुरली तुम तो हो रहे मगन, सब में तुम ही सारा करते थे। कन्हैया सारी चाल तुम्हारी है, सब में तुम ही इशारा करते थे। या हम सब निहारा करते थे, हम सब निहारा करते थे। क्योंकि पाप को धर्म मार देते हैं, शर्म बेशर्म मार देते हैं। आदमी खुद में खुद नहीं मरता, उसको तो उसके कर्म मार देते हैं। कन्हैया उस रण स्थल पर, उस युद्ध स्थल पर सुनेगा, आए समय Thank you.
करके अपनी अपनी तैयारी। अरे कन्हैया उस रण स्थल पर बड़े बड़े वीर आए आए, बड़े बड़े योद्धा आए आए, लेकिन वहां पर युद्ध कौन कर रहा है? लड़ रहे थे वीर सबसे, लड़ रहे थे वीर, देखो वहां बारी बारी। क्या बात है, क्या बात है? और कन्हैया न वहां कौरव लड़ रहे हैं, न वहां पांडव लड़ रहे हैं, बल्कि वहां पर दो माताओं की ममता लड़ रही है। ऐसे कुंती इधर थी और उधर कांधा में, लड़ाई तो यही है, ना कौरव लड़ रहे हैं ना पांडव लड़ रहे हैं, बल्कि वहां पर दो माताओं की ममता लड़ रही है। कैसे कैसे? आए समय में वीर बलधारी, लड़ने को करके अपनी अपनी तैयारी। लड़ रहे हैं वीर रण में सभी बारी बारी, कुंती इधर थी और उधर गांधारी। तो एक कन्हैया कुछ हो परिणाम, ललित तो लला दोनों ओर मरते दिखे श्यामो ही श्याम। प्रभु उस रण स्थल में न कौरव मर रहे हैं न पांडव मर रहे हैं, बल्कि दोनों ओर मरते दिखे श्यामो ही श्याम, जिनको श्याम ही तुम्हारा कर दे। क्योंकि प्रभु वहां पर गीता का ज्ञान आपने दिया, आपने कह दिया सब में मैं हूं, सब मुझ में है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही मर रहा हूं और मैं ही मार रहा हूं। इसलिए है प्रभु कुछ हो परिणाम, ललित तो लला दोनों ओर मरते दिखे श्यामो ही श्याम, जिनको श्याम ही तुम्हारा कर दे।